इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी। मुझे तो मेरे ससुराल वाले तरह तरह के ताने देने हैं। अब बेटों की तरह क्यों खड़ी हो? चले क्यों नहीं जाती यहाँ से? हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये दिन देखने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? ऐसी औलाद का बाप होने से तो बेऔलाद होना बेहतर है। सॉरी मिस सवेरा, अब आप ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग। खासी मॉर्निंग्स मेरे लिए भी कभी गुड होती। क्या तुमने सुबह सुबह मायूसी की बातें शुरू कर दी? हाँ, लिखो। जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब सब कुछ भूल जाओ। छत्ते की सांसें हैं ना फरियाद, ये तलखियां मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अल्लाह ताला हमें आजमाइशें इसलिए देते हैं ताकि हम उनसे मुकाबला कर सके। आजमाइशों में और अजियतों में फर्क होता है फरियाद, ये अजियत है। अच्छा चलो, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ऑफिस नहीं जा रही हो तुम? नहीं, आज मेरी छुट्टी। क्यों फिर? देर इज अ सरप्राइज फॉर यू। इरफान आ रहा है। इरफान? फरियाल, उसे कुछ बताया है तुमने? आई मीन ऐसी नो बात नहीं? नहीं, और ये बात हम उसे बताएंगे भी नहीं। Because he is a good friend and I don't want to hurt him. पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, हम खाब सेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इतना सा गायब रहा और अब अचानक से आ रहे हैं। आएगा तो पूछ लेना। चलिए सोचो। कहाँ गायब था? बस ये ना पूछो कि कहाँ गायब था। ये एक लंबी दास्तान है, फुर्सत में सुनाऊंगा। खैर, अब तो वापस आ गया हूँ ना। लेकिन एक साल का अरसा कोई मामूली बात नहीं होती। ओहो, कहा ना, बता दूंगा कि कहाँ गायब था। ये देखो जरा, आते ही मुझ पर सवाल आपकी बुछाड़ कर दी। अच्छा मत बताओ, ये बताओ कराची कैसे आना हुआ? यार, एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग थी, मीटिंग हो गई डिले। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कुछ दिन तुम्हारे पास रुककर वापस जाऊं। तुम्हारा अपना ही घर है, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। ओह, थैंक यू सो मच मैडम। सुनो, इसको क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मारकर बिठाया उसे यहाँ पर। नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है।
वैसे आज ही मुझे सवेरा कम अंधेरा ज्यादा लग रही है। कह सकते हो अंधेरों से दोस्ती कर ली है। What's wrong with her? Oh wow! What a beautiful omelette! I'm sure tasty hoga. Thank you. सुनो, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? छोड़ी नहीं थी, निकाल दिया है मुझे। क्यों? इसका जवाब तो ना उनके पास था और ना मेरे पास है। मैं जब से आया हूँ यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई सी हो, क्या वजह? खो देने में और नजरअंदाज कर देने में बहुत फर्क होता है। Strange. इरफान? कहाँ हो? यहाँ। यार तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लेते हो तैयार होने में। यार तुझे प्रेजेंट की कोई चीज होती है, जरा फैशन के साथ तैयार होने में दो, रेस्टोरेंट में सब उसको देखेंगे। हाँ जी, आपकी इस तैयारी में रेस्टोरेंट का टाइम ना निकल जाए। ओके मैडम, आई एम रेडी नाउ, लेट्स मूव। सवेरा रेडी हो गया? नहीं। क्यों? उसे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता और मैं जब भी कोई प्लान बनाती हूँ मना कर देती है। यार ये क्या बात है यार, साथ चलेंगे मजा आएगा, मैं पूछता हूँ उससे। इसका मूड नहीं है। पूछने तो दो। वो हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तुम भी चलो ना साथ। नहीं खान, तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं। क्या फिजूल में तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो, बंद करो ऐसे, तभी तो मूड बनेगा। मैंने कहा ना इरफान, आई डोंट फील लाइक गोइंग, तुम लोग चले जाओ। यार सवेरा मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसी क्यों हो गई। कैसी? खुद को देखो जरा कि क्या हो गया तुम्हें, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आज मुझे इस घर में आया तो पांचवा दिन हो चुका, लेकिन ना ही मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा ना किसी से फोन पर बात करते सुना। लेकिन तुम तो हमारे साथ कंपनी भी नहीं करती हो, बस रूम से किचन, किचन से रूम, क्या रह गई तुम्हारी दुनिया? जब छत से पर गिरने लगे तो वाकई इंसान को घर से बाहर निकल के भाग जाना चाहिए, और अगर आसमान ही आपके सर पर गिरना चाहे तो फिर कहां जाएंगे हम? इस बेहतर घर पर ही है ना। उधर बात घर की नहीं, तुम तो अपनी जात में कह लो। अच्छा इरफान, फरियाल इंतजार कर रही होगी। सदरा कम ऑन, गाड़ी में वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जाओ।
कितनी गिरे अब बाकी कितनी गिरे अब बाकी। हो गया, तुम्हारी ड्रामेबाजी खत्म करो अपनी, चलो चलो। इरफान मेरी बुक वापस करो प्लीज। मैं बुक वापस नहीं कर रहा, चल कर मूवी देखो। इरफान लीव मी। ठीक है, मैं बुक नहीं दे रहा, कैश में। इरफान आई नीड माय बुक बैक। बिल्कुल नहीं, नहीं गलत। इरफान गिव इट बैक। मूवी नहीं देती हूं, नहीं बिल्कुल नहीं। इरफान गिव इट बैक टू मी। नहीं मैं नहीं दे रहा बिल्कुल भी। इरफान आई नीड दैट बुक प्लीज। क्यों भाई क्यों? इरफान गिव मी दैट बुक। नहीं दो यार बुक मेरी। इरफान क्या प्रॉब्लम है? रिटेन करके रख दिया है मुझे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। छोड़े हुए को क्या छोड़ना? क्या हो गया तुम्हें? जॉब से निकाल दिया गया तो इसका मतलब यह कि जिंदगी रुक जाएगी? तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाराज हैं, है ना? ओके फाइन यार, सबके होते हैं। सुनो बीमार हो, हाँ बीमारी भी सब पर आती है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाकाम होकर बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बैग से चुपक कर बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि लूजर बन जाओ। कम ऑन यार, बी पॉजिटिव। व्हाई हैव यू बिकम सो नेगेटिव अबाउट योर लाइफ? क्योंकि मेरी लाइफ में अब कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा। मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव है। माँ बाप ने घर से निकाल दिया, नेगेटिव। जॉब से रेस्टिकेट कर दिया गया, नेगेटिव। दोस्त यार मिलते नहीं है मुझसे, नेगेटिव। अपने ना करता गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ मैं, नेगेटिव। सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस बात के सिवाय, इस बात के कि आई एम एच आई वी पॉजिटिव। डिड यू हियर दैट? आई एम एच आई वी पॉजिटिव, गॉड डैम इट। मुझे पहले बता देना चाहिए था, हम अच्छे दोस्त हैं यार। तुम इतने दिन बाद मिले थे, मैं कैसे तुम्हें ये न्यूज़ सुना देती? सच पूछूं तो मुझ पे हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। सबने तो छोड़ दिया उसे, उसके घर वालों ने, यारों ने, दोस्तों ने। मुझे नहीं पता कि सवेरा और कितने दिन जिंदा रहेगी। बस मैं उसे यहाँ अपने पास लेकर आ गई। It's really so sad. लेकिन तुम मुझे ये बताओगी कि आखिर उसे एचआईवी हुआ कैसे? क्या वो कुछ गलत? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो जानते हो उसे।
वो बेचारी तो बहुत अच्छी है और उसकी यही अच्छाई इसके लिए वबाले जान लग गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फ्लड विक्टिम्स की रिलीफ के लिए यहाँ एक कैंप लगा था। सवेरा ने वहां जाकर अपना ब्लड डोनेट किया। रिलीफ कैंप में मौजूद इन्फेक्टेड सिरिंज ने उसके जिस्म से खून तो निकाल लिया मगर बदले में अपने अंदर का सारा जहर उसमें भर दिया। This is really so sad. हालांकि इस सवेरा के लिए बहुत परेशान है। उसने खुद को बिल्कुल तन्हा कर लिया है। फरियाल, सवेरा, सवेरा, लो जी, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने पूरा घर छान मारा। What are you doing here? बस कुछ चीजें संभाल रही थी, तरतीब से रख रही थी। चीजों को तो तरतीब से रखने की बड़ी परवाह है तुम्हें, और जो अपनी जिंदगी को इतना बेतरतीब करके रखा हुआ है वो? साथ से चलने को तुम जीना कहते हो? मौत भी तो नहीं कह सकता, तो जितनी लिखी है वो तो अच्छी तरह जी लो प्लीज। कोशिश तो की थी मैंने पर नाकाम हो गई। झूठ, कोशिश ही तो नहीं करूंगा। तो ठीक है, तो मुझे बुजदिल ही समझ लो। नहीं नहीं नहीं, खैर तुम बुजदिल तो नहीं। अगर तुम बुजदिल होती तो यू जिंदगी का सामना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कब की सुसाइड कर चुकी। मरे हुए लोग खुदकुशी नहीं किया करते। तो तुमसे बहस करना बिल्कुल फजूल है। चलो स्टोर से बाहर आ जाओ। क्या यहाँ बेकार चीजें पड़ी हुई यार? चीजें बेकार नहीं होती हैं, बस लोग उनका इस्तेमाल करना छोड़ देते। जैसे तुमने हंसना, खुश रहना, सजना, सवरना, छीप बातें करना सब छोड़। ओके, इट्स योर लाइफ। मान लिया तुम्हारी जिंदगी में खला है, पर यार दूसरों को तो डिप्रेस ना करो। लुक एट फरियाल, कितना चाहती है वो, कितनी फिकर है उसको तुम्हारी। सारे जमाने की परवाह किए बगैर वो तुम्हें अपने पास लिया है। इनफैक्ट मुझे भी कभी उसने तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन तुमने खुद को जिंदा लाश बना लिया। प्लीज अपने लिए नहीं सर, पर फरियाल के लिए तो खुद को बदलो। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है और यही मैं भी चाहता हूं। सॉरी टू से, तुम ऐसा नहीं कर, तुमने खुद को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया। अगर इंसान को यह पता चल जाए कि उसके पास जिंदगी के लिए सिर्फ चंद घड़ियां बाकी रह गई, अपनी जिंदगी को कितना हसीन, कितना खूबसूरत बनाकर जिए, हर लम्हा एंजॉय करे, इन टुकड़ों में जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि अपनी इस अधूरी जिंदगी को मुकम्मल समझकर जी लिए। सवेरा, जिंदगी भले भले लंबी ना हो लेकिन अच्छी तो गुजरनी चाहिए। सोचो इस बारे में। चीजों को तो तरतीब से रखने की बड़ी परवाह है तुम्हें, और जो अपनी जिंदगी को इतना बेतरतीब करके रखा हुआ है वो? जैसे तुमने हंसना, खुश रहना, सजना, सवरना, अच्छी बातें करना सब छोड़ दिया। बट आई एम सॉरी टू से, तुम अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने से मुंसलिक लोगों के साथ भी ज्यादती कर रही हो। जिंदगी भले भले लंबी ना हो लेकिन अच्छी तो गुजरनी चाहिए।
कौन सी मूवी देखी जा रही? ओफो, अब कौन कम बजट वाला मूवी देखेगा? तुमसे नजरें हटेंगी तो मूवी देखी जाएगी ना? You're too much. I am. आज बहुत दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये समझ लो कि जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है। इसी खुशी में तुम लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। चीनी की दे, चीनी की दे, चीनी। हाफ टी स्पून, एक चम्मच। I will be always thankful to you, जिसने मुझे मेरी प्यारी सी दोस्त वापस लौटा दी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब बहुत थोड़े अरसे के लिए ना, काश ये सब हमेशा के लिए होता। अच्छा चलो बाहर जाकर बैठते हैं। Come on. ऐसी बातें क्यों करने लगती है? वेटर, चाय यहाँ ले आना। अच्छा ला रहा हूँ। ये लीजिए मजेदार चाय लखा। ओ थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। कैसे लगी चाय? बहुत आला। अरे तुमने तो पियो। मैं ठंडी करके पीती हूँ। मुझे बातें सुनने दे रहेंगे? नहीं देखे, दोस्ती और चाय में जब तक हिद्दत ना हो तब तक मजा नहीं देती। और अगर हरारत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो जज्बात पिघल भी सकते हैं। अरे भाई जज्बात जागे तो सही, फिर उनका पिघलना खुद ही देख लेंगे। मेरे ख्याल है गुफ्तगू किसी और डगर पर नहीं जा रही। मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया चाय में। दिखा दिखा दिखा, सही है। क्या कर रहे हो, पागल हो गए? जानते हो मुझे क्या बीमारी है? झूठा पी लिया मेरा। अरे तो क्या हो गया, ये बीमारी झूठा खाने पीने से थोड़ी लगती है। नहीं नहीं इरफान, सवेरा इज राइट। You should be more like. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं ऊपर? जिंदगी, जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है ना तुम्हारी नजर में। तुम्हारी नजर में है क्या, बोलो। तुम तो खुद जिंदगी को अपने ऊपर बहुत समझते। मेरी और तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क है। सुनो, अगर दो लोग एक ही जैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो इस फर्क को मिटा सकते हैं। बिस्किट्स है ना, लेके आता हूं। कितनी गिरे अब बाकी। सवेरा, सवेरा क्या बना रही हो? चिकन कढ़ाई। यार आज खाना कहीं बाहर से खाते हैं। और मैंने जो ये चिकन कढ़ाई बनाई है ये हम रात में आके खा लेंगे ना, लेकिन प्लीज अभी लंच बाहर कर लेते हैं। वो तो ठीक है लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खा रहे। मेरा बहुत दिल कर रहा है तुम्हारे साथ जाने को, कहीं बैठने को, बातें करने को, खाने पीने को। प्लीज चलो ना, प्लीज अब मना नहीं कर देना प्लीज। ओके ओके डन डन, बस चलो आ जाओ। एक मिनट, चलो 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 चलो, अरे रेडी हो जाओ ना, जल्दी करो। तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? कोई मिली नहीं। कोई मिली नहीं या ढूंढी नहीं? ढूंढ तो मैंने ली थी लेकिन शायद उससे अभी कह नहीं पाया। हमेशा देर कर देते हो। लेकिन इस बार देर नहीं करूंगा। इस बार तो
पहले ही बहुत देर हो गई है। दिल से दूर करूं कैसे, तू ही मेरी चाहत है। रातों को नींद आए ना, तू ही मेरी राहत है। आंखों में है रत जगे, याद क्यों इतना आते हो। दूर नजरों से क्यों जाते हो, किस लिए मुझको सताते हो। तुम हो मेरी जाने जान। थकी भी लग रही है तुम, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। रास्ता चाहे कितना ही आसान या दुश्वार क्यों ना हो, एक ना एक दिन कट ही जाता है। मंजिल अगर मुतय्यन हो तो सफर की कौन परवाह करता है। सही कह रहे हो तुम, मैं तुझे से जीना भूल ही गई थी। तुमने मुझे जीने की एक नई राह दिखाई। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छी है। पर खुद अभी भी अधूरी हो। इरफान घर आ गया है। मेरी बात का जवाब तुमने अभी भी नहीं दिया। कुछ बातों का अधूरा रह जाना ही बेहतर है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? इस क्यों का जवाब भी तुम्हारे पास है यार। और भी तो बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, तो क्या कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता? हाँ, लेकिन उनकी बीमारी में और सवेरा की बीमारी में बहुत फर्क है। वो लोग ठीक भी हो जाते हैं, और सवेरा। इरफान, हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सवेरा HIV पॉजिटिव है, और पता नहीं कब उसकी बीमारी एड्स में डेवलप हो जाए। शी वोंट सर्वाइव। एक मरते हुए शख्स की जिंदगी के आखिरी लम्हों को हसीन बनाना कोई गुनाह तो नहीं। और भी बहुत सारे लोगों के लाइफ पार्टनर शादी के एक दो साल के बाद मौत के मुंह में चले जाते, तो क्या वो उनके साथ मर जाते? लेकिन सवेरा का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। सवेरा इस बार केस राइट, वो जीती जाती इंसान है। मरना तो हम सब ने है ही एक दिन, तो फिर क्यों ना अपनी जिंदगी के हर पल को हसीन और यादगार बनाकर जिया जाए। देखो फरियाल, हम लोग जिंदगी गुजार तो रहे हैं लेकिन इसे जी नहीं रहे। जिंदगी गुजारने और जीने में बहुत बड़ा फर्क है, और सवेरा ने जीना सीख लिया। मुझे उसका साथ चाहिए, चाहे कुछ दिनों के लिए से। आई वॉन्ट हर टू बी इन माई लाइफ। सवेरा, मैं कोई बात नहीं करना चाहती इरफान, कुछ नहीं समझना है मुझे, चले जाओ यहां से। मैं जाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें अपनाना चाहता हूं। अपनाना चाहते हो मुझे? अपनाकर खुद से बेगाने हो जाओगे तुम? परवाह नहीं। परवाह नहीं, मुझे परवाह है तुम्हारी भी और तुम्हारी जिंदगी की भी। ये क्या बात हुई? मुझे जीना सिखाकर तुम खुद मौत को गले लगा रहे हो क्यों? Because I love you. You love me? ये प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। तरस खा रहे हो मुझ पे, जानती हूं मैं, और मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए।
तरस नहीं खा रहा हूँ, मजबूरी शादी करना चाहता हूँ तुमसे। इरफान, बहुत देर हो चुकी है, अब मुमकिन नहीं है ये। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि शादी दो नॉर्मल लोगों के बीच होती, हम दोनों के बीच नहीं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ऐसी शादी का क्या फायदा? क्या हम अपनी मोहब्बत को भरपूर तरीके से निभा ही ना सके, एक दूसरे के करीब भी ना आ सके? शादी सिर्फ दो जिस्मों की ही नहीं बल्कि दो दिलों की, दो रूह की, दो एहसासात के मिलने का नाम। क्या मुझे, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता लेकिन तुम्हारे पास तो रह सकता हूं? मोहब्बत जिस्मों की मोहताज नहीं हुआ करती सवेरा, चकोर भी चांद से बहुत मोहब्बत करता लेकिन मैं उसे छू तो नहीं सकता, है ना? परवाना भी शमा को बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है लेकिन वो भी उसे छू नहीं सकता। मेरी मोहब्बत को भी जिस्म की जरूरत नहीं है बल्कि इसे रूह चाहिए, और रूह का कोई वजूद नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। प्लीज तुम्हारे सक्सेस से बहुत खुश हूँ। जिंदगी तुम्हें जितनी भी मोहलत देगी, मुझे यकीन है कि इरफान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इरफान इंसान के रूप में फरिश्ता। जिंदगी से मुझे भी अब कोई गिला नहीं है, सुकून से मर सकती हूँ। तुम्हें लंबी जिंदगी की दुआ भी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, जिंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए। फ्लाइट कब की है? आई डोंट नो, इरफान कॉल करके बताएगा। बट यू नो व्हाट, आई एम गोना मिस यू। मैं ख्याल रखना। खूबसूरत लग रही हो, मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे आज जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। अब तो मौत भी आ जाए तो सुकून से मर जाऊंगी मैं। प्लीज आज की रात तो ऐसी बातें मत करो, आज तो हमारे मिलन की रात है और इस रात को हम इतनी मोहब्बत से हसीन बना देंगे। क्या कह रहे हो इरफान, ये सही नहीं है। सवेरा प्लीज आज मत रोका मुझे, प्लीज। इरफान क्या कह रहे हो तुम, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। किसी इंसान ने मुझे जिंदगी दी है, मैं उसे ही मौत के कुएं में धकेल दूं? क्या हो गया तुम्हें?
सवेरा तुम्हारे अपने करीब आकर तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं सवेरा। क्या हो गया इरफान, पागल हो गए हो तुम? क्या हुआ इसमें? तुम पागल हो गए, तुम जानते हो ये क्या है? सवेरा सवेरा तुम्हें कुछ नहीं होगा। सवेरा प्लीज उसको डांट डांट नहीं। प्लीज सवेरा मेरे पास सुनो। छोड़ो मुझे। सवेरा कुछ नहीं होगा। इरफान प्लीज कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? बिकॉज आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव। कितनी गिरी